हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत झरलोग की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लदरौर में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनमंच के दौरान कुल 206 शिकायतें व समस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का निपटारा मौके पर ही हो गया। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अपने संबोधन में कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, इस दिशा में प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लक्ष्य लेकर चले हैं कि लोगों की शिकायतों व मांगों का हल उनके घर द्वार पर हो, इसी उद्देश्य से जनमंच का आयोजन प्रतिमाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से उन्होंने लोकतंत्र को धरातल पर उतारा है और लोगों को राहत पहुँचाई है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों के कारण भारी जन समर्थन पूरे प्रदेश में प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री की सोच विकास के क्षेत्र में प्रदेश को शिखर पर लेके जाने की है और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए वे स्वयं विदेशी दौरे पर गए हुए हैं। लोगों की समस्याओं को समझने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी पूर्ण कर लिया है। इसी का परिणाम जनमंच जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे जनमंच पर प्रस्तुत शिकायतों को गंभीरता से लें और समयबद्ध इनका निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास करें। जो ये जनमंच कार्यक्रम चला है, जिसमें हम जनता को उसके घर द्वार पर जो है तो उनकी शिकायतें उनकी डिमांडें सुनने का काम कर रहे हैं और शिकायतों को 15 दिन में सॉर्ट आउट करने की बात करते हैं और कर भी रहे हैं, उसमें ठीक है कहीं पर अगर कुछ बहुत कल्पना वो हम इम्प्लीमेंट करें सर, जैसा कि हर एक बात में। पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने जिला बिलासपुर के शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में बनने वाले शहीद स्मारक के लिए एक ईंट शहीद के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिला उपायुक्त राजेश्वर गोयल और विशेष अतिथि के रूप में कर्नल अत्रि सिंह डिप्टी डायरेक्टर बिलासपुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने मुख्य अतिथि व वरिष्ठ अतिथि को बैच लगाकर टोपी शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सूबेदार प्रकाश ने शहीद स्मारक के निर्माण के लिए एक ईंट शहीद के नाम अभियान को समिति की तरफ से 71,000 रुपए का योगदान देने की बात कही। प्रकाश चंद ने बताया कि पूर्व सैनिक कल्याण समिति बीते 10 वर्षों से लगातार सरकार व प्रशासन से युद्ध स्मारक का निर्माण एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि समिति 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय दिवस, 23 सितंबर 1965 भारत पाक युद्ध, नवंबर 1962 भारत चीन युद्ध, 16 दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं। इस अवसर पर बिलासपुर उपायुक्त ने शहीद स्मारक के लिए हर संभव कार्य करने का आश्वासन दिया और बिलासपुर प्रशासन इस स्मारक में अपना पूर्ण सहयोग देगा ताकि बिलासपुर में उत्तर भारत का प्रसिद्ध शहीद स्मारक बन सके। इस अवसर पर शहीद जवानों को याद भी किया गया। मंडी के पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला मंडी के उम्मीदवारों के लिए पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 20 से 29 जून तक पड्डल मैदान में किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक चलेगी।
इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती संबंधित सूचना के लिए मोबाइल नंबर 7018640600 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों को उनके आवेदन के समय लिखाए गए मोबाइल नंबर व ईमेल पते पर ही SMS व ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। शारीरिक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि को लेकर अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी के लिए संबंधित उपमंडलीय पुलिस अधिकारी कार्यालय व संबंधित थानों के सूचना पट पर एक प्रतिलिपि सूचना के लिए लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा ने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थी अपने साथ एडमिट कार्ड की प्रतिलिपि जरूर लाएं। उन्होंने आवेदकों को अपील भी की कि पुलिस में भर्ती करवाने के लिए प्रलोभन देने वाले बिचौलियों व दलालों से सावधान रहें और यदि किसी अभ्यर्थी या उनके परिजन को इस संबंध में कोई फोन कॉल आती है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक नियंत्रण कक्ष को जरूर दें। उन्होंने बताया कि भर्ती के दौरान यदि अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति या चोट लगती है तो वे उसके लिए स्वयं उत्तराधिकारी होगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल होंगे इसके लिए उन सबको उनके मेल जो आईडी वगैरह दिया उस पर मेल जाएगी और मेल आईडी खोलने पर वो अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी जो भी कैंडिडेट भर्ती के लिए आएगा तो उसको अपना एडमिट कार्ड साथ में लाना जरूरी होगा और जो डेट उसमें हमने दी है वेबसाइट पर उसी ही डेट को उसको कैंडिडेट को भर्ती के लिए आना होगा। है ये सारी ही जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको ऑनलाइन कर दिया गया है और जैसे पहले एक्सचेंज वाइज भर्तियाँ होती थी वैसा नहीं हो रहा है। इस बार सबसे पहले महिलाओं की भर्ती रखी गई है और उसके बाद जो है पुरुष और लास्ट डे में जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनकी भर्ती रखी गई है। तो इस बार जो है कैंडिडेट को अपनी एप्लीकेशन आईडी है उसी से ही उसी के अनुसार जो डेट को देखना होगा और जो डेट उसको दी गई है वेबसाइट में दी गई है उसी डेट को भर्ती के लिए आना होगा।